अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 7th के लेक्चर नंबर 35 के साथ, जिसमें आज हम आपको नेक्स्ट कंसेप्ट देने लगे हैं। अभी तक हमने पढ़ा रेशो के बारे में, और रेशो का मतलब है कि टू क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप शो करना। मगर यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास जो कंसेप्ट होगा वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है कि टू रेशोज के दरमियान में रिलेशनशिप शो करना। रेशो का मतलब था कि टू क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप, और प्रोपोर्शन का मतलब है टू रेशोज के दरमियान में रिलेशनशिप। ठीक है, होप्स आपको इनका डिफरेंस समझ आया होगा। मैं यहाँ से आपको बुक से रीड करके बताती हूँ। आपके बुक का पेज नंबर 79 है, जिसके ऊपर आप प्रोपोर्शन का देख सकते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रीड करके बताती हूँ कि क्या रूल्स हैं इसके। इन अ प्रोपोर्शन द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन, एंड द फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम ऑफ द प्रोपोर्शन। सबसे पहले मैं आपको इसकी फॉर्म लिख के बताती हूँ, और फिर इसमें समझाऊंगी कि मीन और एक्सट्रीम क्या होते हैं। अब अगर आपके पास ये एक रेशो होगी, ये दूसरी रेशो, और ये जो बीच में मैं ये साइन लगा रही हूँ, ये प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन इक्वल के इक्वल होता है, बराबर होता है, एक तरह से कह दो। तो ये एक रेशो होगी, ये दूसरी। अब इन दो रेशोज के दरमियान में प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले साइन लगा प्रोपोर्शन का, उसने कहा सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। सेकेंड और थर्ड एलिमेंट आपका मीन कहलाएगा, सेंट्रल वैल्यूज, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम्स कहलाएगा। एक्सट्रीम के लिए मैंने ई मेंशन किया है, और मीन्स के लिए मीन एम। नेक्स्ट पॉइंट रीड कर रही हूँ, कहता है इफ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ अ प्रोपोर्शन हैव द सेम वैल्यू सच एज हेयर बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे अगर सिचुएशन ये हो जाए कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी बी सी बी, ये देखिए मीन सेंट्रल सेकेंड और थर्ड एलिमेंट जिनको हम मीन कह रहे थे, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम वैल्यू है, तो फिर भी ये मीन ही कहलाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ सॉल्व करने का तरीका, इस तरह से प्रोपोर्शन लगा के इसको सॉल्व करने का तरीका है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब है कि सेंट्रल वैल्यू मीन वाली वैल्यू को इकट्ठा मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को इकट्ठा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब मैं आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलती हूँ। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सेम यही मेथड यूज होगा, आपने प्रोपोर्शनल वैल्यूज यहाँ आपको दी होंगी और आपने वैल्यूज फाइंड करनी होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसके बराबर होता है किसके, इक्वल, यानी कि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल भी लगा सकते हैं। जैसे कि उसने क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन दिया है, ठीक है, मगर ये है प्रोपोर्शनल साइन ही। क्यों? क्योंकि ये टू रेशियोज के दरमियान में रिलेशनशिप बता रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपने करना क्या है, 13:3 इज इक्वल टू m:6, इस वैल्यू में आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी मेथड से, मीन और एक्सट्रीम के मेथड से। ठीक है, अब मैं इनके रिलेशनशिप बता रही हूँ, ये मीन्स वैल्यू है,
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। मीन्स वाली वैल्यू है 3m, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करें m से, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स वाली वैल्यू है 13 और 6, 13 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहां से हमने m निकालना है, m 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक तरफ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है डिवाइड, ऐसा ही होता है। आप क्या करेंगे m को इधर रहने देंगे इज इक्वल, वहां की वैल्यू वैसे ही लिखेंगे। अब जो इस 3 है इसको मुझे यहां से मूव करवा के इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इन सब के साथ डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे वो m के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था। ये रूल है आपका इक्वल के एक तरफ अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ डिवाइड दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हम कटिंग कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। आपके पास रहेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, और 1 अगर नीचे है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पे जो भी वैल्यू डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो सेम आंसर आपको रिटर्न कर दिया, तो हमें उसकी लिखने की जरूरत नहीं होगी। 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें 26 आंसर आएगा, ये आपका एम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली विद ऑफर क्वेश्चन विद फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 अपने होमवर्क में करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।